हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू इंडियन इन हॉलैंड। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं चेरी ब्लॉसम पार्क। देखिए हमारे फ्रेंड्स भी पीछे आ रहे हैं, हमारे पतिदेव भी पीछे आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये डच कोट भी आ रहे हैं, और जो पन्नी पकड़े हैं वो थोड़ा शाय हो रहे हैं आज, क्योंकि उनको पन्नी पकड़ा दी गई है। $0.50 यहाँ पे सुसु के भी पड़ रहे हैं। अच्छा, लेने के देने के करने के सुसु करो, $0.50 दो। अच्छा, यहाँ से हमारा ये पूरा नक्शा है ब्लॉसम पार्क का, आप देख सकते हैं। ये पुल बना हुआ है, एक साइड से लोग जा रहे हैं, एक साइड से लोग आ रहे हैं। बट यहाँ इंडिया के तरीके धक्का मुक्की नहीं हो रहा है, अपना शांति से जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं पार्क में। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, और कितना सुंदर लग रहा हुआ है। ये बेसिकली पूरा एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर 400 पेड़ हैं और पूरा गोला गोला वोला बना है, गोले से पूरे पेड़ लगे हुए हैं। और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं पार्क के अंदर, यहाँ पे जाके पिकनिक करेंगे। यहाँ पे ये 400 पेड़ है जो 200 जापानीज के हैं और 200 नीदरलैंड। हेलो, ये हमारा ग्रुप है, इनके साथ आज हम आए हुए हैं। यहाँ पे पिकनिक हो रही है, पार्टी हो रही है। पर सब कुछ फिनिश हो चुका है। आपने खाया खाना? क्या खाया आपने? पूरी। कौन लाया था? कैसी लगी आपको पूरी? अच्छी थी। कितनी खाई? दो। बट हम तो चार छोड़ के गए थे, दो बची हुई। देखो तो क्यों नहीं फिनिश किया? पूरा खाना फिनिश करना चाहिए था ना? तभी पतले डच हो। डच कोट कैसा है मेरा? अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। पर ये आपका है? चश्मा तो लगा। तो आप सब देख सकते हैं फुल ऑन मस्ती चल रही है यहाँ पे चेरी ब्लॉसम पार्क में, जिसका नाम है ब्लॉसम पार्क इन एम्स्टरडम। तो सब बहुत ही थक चुके हैं, एकदम पिकनिक वाला माहौल है, सारा खाना पीना भी ख़त्म हो चुका है और ये भी थक के सो रही हैं, धूप की मजे लिए जा रहे हैं। बट यहाँ पे हवा बहुत चलती है तो धूप भी बहुत कम लगती है, लेकिन हाँ आप व्यू देख सकते हैं बहुत अच्छा है। तो हम लोग बेसिकली लॉन्ग ड्राइव पे आए हैं, हम लोग ने कार रेंट पे हायर की। तो हमारे रोटरडैम से ये एम्स्टरडम पड़ता है अराउंड 65 किलोमीटर। तो वैसे कि इस जगह पे हम लोग 2 से 3 घंटे बिता सकते हैं, ऑलरेडी बिता चुके हैं, लेकिन अब ये है कि इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना यहाँ पे बैठा जाए और धूप लिया जाए। और बेसिकली नीदरलैंड्स में भी धूप बहुत कम निकलती है, तो जब भी धूप निकलती है लोग बहुत पागल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है। बेसिकली ये एक पार्क है, बस यहाँ पे फेमस क्या है कि यहाँ के चेरी ब्लॉसम पेड़, और इस पेड़ को ही देखने इतने सारे लोग जमा हो रखे हैं। आप देख सकते हैं, ये भी आप कह सकते हो कि स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो सब लोग बाहर निकल गए हैं इस व्यू का मज़ा लेने के लिए, और साथ ही साथ धूप का भी मज़ा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही धूप निकलती है डच और जितने भी इंटरनेशनल एक्सपेक्ट यहाँ पे रहते हैं सारे ही पागल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं और पूरे इंडियन माहौल बना रखा है, हमने पूरा इंडियन गाने भी सुन रहे हैं, तो बस मस्ती कर रहे हैं। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Thank you.
होप आप सबको आज हमारा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बेसिकली ये नीदरलैंड्स के बहुत ही फेमस चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं, जैसा कि आपको ज्योति ने बताया हमारे स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग में कि यहाँ पे 400 पेड़ हैं, 200 जो कि जैपनीज ने प्लांट किए थे और 200 हमारे डच जो कि नीदरलैंड्स के लोकल सिटीजन हैं उन्होंने प्लांट किया। तो ये बहुत ही फेमस है और स्प्रिंग का सीज़न आ चुका है, लोग हेलो स्प्रिंग करते हुए बहुत सारे पोस्ट और व्लॉग डालते हुए दिख रहे हैं आपको। तो हम भी स्टार्टिंग कर रहे हैं स्प्रिंग सीजन का विद द डच सीज़न एंड यू कैन से दैट लाइक चेरी ब्लॉसम वेलकमिंग दिस फेस्टिव सीजन फॉर द नीदरलैंड्स। सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी स्प्रिंग सीजन एंड आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाएं। और आने वाले समय में जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे तो नीदरलैंड्स में ट्यूलिप भी बड़े फेमस हैं, तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे और अभी इन्होंने ट्यूलिप पार्क भी ओपन कर दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी विज़िट करें और आप लोग को दिखाएं कि यहाँ पे मल्टीपल और थाउजेंड नंबर ऑफ ट्यूलिप्स भी हैं। तो आज का हमारा व्लॉग था सिर्फ और सिर्फ चेरी ब्लॉसम पे और आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।